इधर पानी गिर रहा है झूझा और हम लोग एक लहरी के पास रुके हैं और इस तरफ जय जवाहर संगवारी हो, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग्स में। आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहा है बोल के, तो मैं जिंदा हूं और ब्लॉग्स भी आएगा, लेकिन इतने दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर है, आपको आज नहीं फिर कहीं बताऊंगा। और मैं यहाँ ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का सीन आप लोग देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ जमाबीरा और सोखमुड़ा के बीच और यहाँ का रोड का आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार गड्ढा हो चुका है और यहाँ पे इतना ही जगह बचा है जो कि एक ना एक दिन पानी आएगा तो यहाँ तक कट जाएगा और यहाँ कुछ दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ के जो भी देख रहे हैं सरपंच सचिव या जो भी इसको करवा सकते हैं प्लीज़ करवाइएगा क्योंकि छोटा सा गड्ढा के कारण कुछ दुर्घटना भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ का रोड का हम लोग शिकायत दे देते हैं मेरी सड़क ऐप्स में और आप लोग भी कर सकते हो क्योंकि एक के करने से क्या ही होता है। तो यहाँ का फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं और इसको मैं डाल दूँगा मेरी सड़क ऐप्स में क्या बोलते हैं देखते हूँ क्योंकि ये शिकायत करना हमारा काम है, बोलना हमारा काम है भाई, एक के बोलने से तो कुछ होता नहीं है। आप लोगों से कुछ होता है तो आप लोग बोलिएगा ज़रूर एंड करिएगा ज़रूर। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं कहीं काम से बाहर, तो चलिए चलते हैं और दृश्य का सीन दिखाता हूँ, फिलहाल आपसे मिलता हूँ आगे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं फिलहाल अभी के लिए धर्मजयगढ़, उसके बाद फिर आगे जाएंगे और इधर का हालत कुछ इस प्रकार हो गया है और क्या ख़राब हुआ है तो फिलहाल पता नहीं है, जाके पता चलेगा। गाड़ी धोते धोते ख़राब हो गया तो वहीं चलते हैं और देखते हैं पता करते हैं। दोस्तों हम लोग खींच के ले जा रहे हैं, टोकर के लेके जा रहे हैं और मजा आ रहा है, पेट्रोल बचाने के लिए हम लोग खींच के लेके जा रहे हैं, गाड़ी खराब थोड़ी ना है, बस पेट्रोल बचाना है इसीलिए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अपना काम हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं बहिर किला घर घोड़ा और बबलू उधर गाड़ी बन गया और अभी हम लोग यहाँ निकलते हैं, गाड़ी को कहीं पे छोड़ देंगे उसके बाद हम लोग निकलेंगे बहिर किला घर घोड़ा के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आमापाली और आमापाली से हम लोग जा रहे हैं बहिर किला घर घोड़ा, इधर है यहाँ का बिजली ऑफिस और इसमें जाते हैं अपना गाँव यानी के वाला निकालता है जमावीरा कोटिया जमावीरा। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घुरुम केला और घुरुम केला का सीन कुछ इस प्रकार है, पूरा यहाँ पे खदान है ना तो चारों तरफ धूल धुआं है, ट्रक है, हाईवे है, लेकिन सड़क छोटा सा है। इधर जाते हैं कोयला खदान, अंदर कोयला लेने के लिए। और इधर चारों तरफ ट्रक खड़ा हुआ है, हाईवे खड़ा हुआ है अपना लोड लेने के लिए, पूरा इधर जाम लगा है। गाड़ी धस गया है रोड में, पलटने वाला है बट अटका हुआ है, पलट जाएगा तो पानी गिरेगा तो धूले धूल उड़ रहा है। नेता लोग मांग वांग करते हैं इधर उधर हड़ताल करते हैं, उसके बाद एक दो हफ्ते एक दो महीना में जैसा करता है ऐसा पूरा धूले धूल। यहाँ का गांव वाला यहाँ से घर घोड़ा निकलने का एकमात्र शॉर्टकट रास्ता और बहुत ही अच्छा है ये वाला रोड, ये वाला मेन रोड है जिसमें जाएंगे तो दूर पड़ेगा घर घोड़ा और जाएंगे।
तो जी हम लोग आए थे घरघोड़ा खाना वाना खाने के लिए, और इधर पानी नहीं गिर रहा है, देख सकते हैं अपने गांव तरफ तो पानी वानी गिर रहा है, ऐसा अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, देखे तो नहीं है। और ये रहा अपना घरघोड़ा का जय स्तंभ चौक, बहुत दिन बाद आए हैं घरघोड़ा तो थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। खींच रहा है देर, अयो दादा रे भीग गए। लारी मिल गई, लारी इधर पानी गिर रहा है झूझा, और हम लोग एक लारी के पास रुके हैं, और इस तरफ बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, गांव देहात वाला छोटा सा नरवा देख सकते हैं इधर, और इस तरफ है पूरा खेत हरा भरा चारों तरफ, और यहाँ पे है लारी। कैसे लग रहा है जी? मन तो ऐसा हो रहा है। कैसे हो रही है? कि जैसे पेट में ठंड गुदल गुदल। किसे लागत है भाचा? हल्का सा पानी छूट गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलो चलते हैं जमा बीरा।